एक एक चीज को याद रखिए। और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी से बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे नहीं, जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहां कोई तोड़ा है। एक बात समझाइए, मोदी जी कौन इनको पढ़ाता लिखाता है हम तो समझे नहीं, लेकिन अनपढ़ लोग भी ये समझ जाएगा कि भैया 8 लाख रुपया सालाना जो कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता। 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो गरीब नहीं हो सकता, आप समझिए। यानी जो 8 लाख रुपया, यानी अगर महीना में उसकी कमाई बताओ 66,666 रुपए जो महीना कमाता है वो गरीब है क्या? बताइए, आवाज नहीं आया। जो महीना में 66,666 रुपए जो कमाता है वो गरीब है क्या? तो 5,000 कमाने वाला, 3,000 कमाने वाला वो क्या है बताइए? और हम लोगों को बोलता कि हम लोग जो है स्वर्ण का विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण आरक्षण का। अरे ये तो आप समझिए कि सामान्य आरक्षण वर्गों के लिए है, और हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये झुंझुना ये जो दिखाया जाता है स्वर्ण गरीब के लिए है, ये स्वर्ण गरीब के लिए नहीं है, ये स्वर्ण अमीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। हम लोग तो स्वर्ण गरीबों का साथ देने का काम किए हैं। अब बीच बीच में मीडिया के लोग भी हैं, रघुवंश जी और हम लोगों का क्या तोड़ मोड़ का बयान दिखा देता है, उल्टा सीधा चलाते रहता है। इसलिए हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग बस अपना अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं, आप समझिए। मंडल कमीशन, ये आंकड़ा आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए अगर आप लोग लड़ाई लड़ना चाहते हो तो। मंडल कमीशन में 1931 में सर्वे हुआ, 1931 में सर्वे हुआ, जिसके आधार पर उसमें जब जनगणना हुई तो 52% जो ओबीसी का था उसमें से मंडल कमीशन में जो है 27% जो है रिजर्वेशन देने का काम किया गया। मंडल कमीशन बैठी थी, जनगणना हुई 31 में, मंडल कमीशन बना 1978 में, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1980 में, लागू होने की घोषणा हुई 1990 में, लागू हुआ 93 में। यानी और उच्च शिक्षण स्थानों में तो 2008 में आरक्षण मिला जाकर के। तो आप समझ जाइए कितने खून बहे थे मंडल कमीशन जब लागू होने जा रहा था। तो ये जो आरक्षण जो दिया गया है, मेरा सवाल है कि किस आधार पर, कौन से आयोग के आधार पर, कौन से सर्वेक्षण के आधार पर, या कौन से आंदोलन के आधार पर, या कौन किसने मांग की थी जो आप लोगों ने आरक्षण देने का काम किया? ये केवल 72 घंटे में हो गया बिना कोई आधार के? तो आप समझिए, हमारी जो मांग है वो दो मांगे हैं, आप लोग सब लोग जानिए। दो मांगों में से सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि 1931 में आधार पर एससी एसटी ओबीसी जो मंडल कमीशन बना, जब जनगणना हुई उसके आधार पर आरक्षण बढ़ा। कब बना सर्वेक्षण हुआ? 1931। आप लोग समझिए, इतने साल हो गए। 1931 में एससी एसटी की जो आबादी थी उसके तहत जो 22% जो था वो दिया गया था, 22.5%। आज तो उनकी आबादी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो हम तो चाहते हैं अब पूरे दमखम के साथ, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दलित या आदिवासी भाई है उनका भी आरक्षण बढ़ाने का काम हो, क्योंकि 50% का बैरियर टूट चुका है। 50% का बैरियर टूट गया है, तो उसी आधार पर हम चाहते हैं कि जो पिछड़ों की जितनी आबादी है, क्योंकि पिछड़ों का भी आबादी बढ़ा है 1931 के बाद,
उनका भी आरक्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि 50% का बैरियर टूटने का काम किया है। और पूरे खास तौर पर अति पिछड़े भाइयों के लिए हमारी मांग रहेगी कि 40% आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि गरीबी है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके इसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। कांग्रेस ने भी बैकवर्ड क्लास के मंडल को रोकने की कोशिश की। इस वजह से इंदिरा गांधी मारी गई। अगर इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला नहीं किया होता तो इंदिरा गांधी मारी नहीं जाती। लोग कहते हुए शहीद हो गई, उन्होंने 52% ओबीसी के आरक्षण को रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। आरएसएस ने राम मंदिर का मामला उठाकर बाबरी मस्जिद गिराकर रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने स्वर्ण मंदिर पर हमला करके रोकने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद मुसलमानों की, स्वर्ण मंदिर सिखों का। इसका मतलब है ये ब्राह्मणों के धर्म से दूसरे धर्म हैं, और उस पर जब हमला करते हैं तो प्रतिक्रिया में जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उन पर प्रतिक्रिया निर्माण करके उनका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए उन्होंने ये बात की। अब आपको याद होगा स्वर्ण मंदिर पर हमला करने से इंदिरा गांधी की हत्या हुई और कांग्रेस पार्टी को 413 सीटें चुनकर आई लोकसभा की, जो जवाहरलाल नेहरू कभी जितवा कर नहीं ला सके थे, जो कभी इंदिरा गांधी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के बाद भी 368 सीटें जितवा कर लाई थी, वो भी 413 सीटें जितवा कर नहीं ला पाई थी। राजीव गांधी 2 साल पहले पायलट की नौकरी करता था, उसका कोई भारत के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो 413 लोकसभा की सीटें चुनवाकर लाने की उनकी कोई क्षमता नहीं थी। आरएसएस ने और संघ परिवार ने कांग्रेस को स्वर्ण मंदिर पर हमला करने के लिए बख्शीश के तौर पर समर्थन दिया था। मेरे पास उसके दस्तावेजी सबूत है। बनवारीलाल पुरोहित जो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने राजीव गांधी और आरएसएस के बीच में समझौता करवाया था, और इस समझौते के तहत आरएसएस ने 84 के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। उस समर्थन का परिणाम यह हुआ था कि अडवाणी चुनाव हार गए थे और अटल बिहारी भी चुनाव हार गए थे, क्योंकि आरएसएस ने 100% समर्थन कांग्रेस को कर दिया था। राजीव गांधी भी मंडल कमीशन की जो बातें हैं उसको रोकने के लिए श्रीलंका का प्रभाकरण के साथ गुप्त समझौता किया, और श्रीलंका में एक अलग देश बनाने की योजना बनाने के लिए गुप्त समझौता, दिल्ली के होटल में प्रभाकरण के साथ गुप्त समझौता राजीव गांधी ने किया था, वो डिस्क्लोज हुआ, और डिस्क्लोज होने की वजह से राजीव गांधी को पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने की वजह से प्रभाकरण ने धोखेबाजी का आरोप लगाकर काना शिवरासन को भारत में भेजकर राजीव गांधी की हत्या करवाई। राजीव गांधी की हत्या हुई उसके पीछे भी मौलिक रूप से मंडल कमीशन का ही मामला था। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि रिजर्वेशन कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है तो इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गया, ऐसा वो लोग बोलते हैं। शहीद तो मैं नहीं मानता हूं, मगर बैकवर्ड क्लास के लोगों को मंडल कमीशन रोकने के लिए उन्होंने ये सारी की सारी बातें की, और उसी के समय उसी के दौरान की बातें हैं। 81 में मंडल आया, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई।
और राजीव गांधी की हत्या मंडल लागू होने के पहले हुई, यानी फिर उसका संबंध उसी दौरान 90 के पहले हुई। और राजीव गांधी की हत्या होने की वजह से नरसिंह राव जो राजनीति से संन्यास ले रहे थे वो प्रधानमंत्री हो गया। इसके बावजूद भी 16 नवंबर 92 को मंडल लागू हो गया, तो ये लागू होने वाला था 89 में ही लागू हो गया। जब 89 में लागू हो गया, नरसिंह राव प्रधानमंत्री हो गए, तो नरसिंह राव ने 90 में प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि 52% लोगों को अब नौकरियां प्रशासन में देनी पड़ेगी। तो नरसिंह राव ब्राह्मण थे, वो भी काला ब्राह्मण थे, गोरा ब्राह्मण से काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में रिजर्वेशन आए, प्राइवेटाइजेशन से रिजर्वेशन समाप्त होता है। अगर रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है उन लोगों के लिए, तो उन्होंने निजीकरण का जो कार्यक्रम शुरू किया, निजीकरण से रिजर्वेशन जीरो हो गया। आज तक अभी तक जितने भी निजी क्षेत्र थे किसी का आरक्षण नहीं था ओबीसी का, एससी का, एसटी का, लेकिन इस वाले आरक्षण में 10% स्वर्ण गरीबों के नाम पर, कहते गरीब है लेकिन स्वर्ण अमीरों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि निजी क्षेत्र में भी जो है होना चाहिए आरक्षण, और नया जातीय जनगणना कराए ताकि पता चले कि किसकी जनसंख्या है। पता चलना चाहिए, पेड़ों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है, बकरियों की गिनती होती है, गायों की गिनती होती है, तो कौन कितना समाज में कितना गरीब है, कौन जातीय का गरीब है, उसकी भी गिनती मनुष्यों का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब पता ना चल जाएगा कि कौन कितना किस जाति में गरीब है। और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी से बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है, जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों को कहीं कोई दो राय हो सकती है।